अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत सोएंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो माशाल्लाह आज सुबह से जो है ना मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत खुशगवार है। तो मैंने सोचा चलें आज सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है स्टार्ट करते करते। तो सुबह से मैं उठा हुआ था, तो मैंने अभी सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। सुबह से बारिश का मौसम हो रहा है और हल्की हल्की फुहारें भी आ रही हैं। तो पहले मैं बच्चों को उठाता हूं ताकि ये भी मौसम का मज़ा ले सकें। ये भी तैयारी करनी है तो नाश्ता भी बनाना है। और अभी आ रहा है हमारे पानी, तो पानी भी लगाना है क्योंकि पानी अभी आया है 8:30 बजे, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 9:45 का, 8:30 बजे पानी स्टार्ट हुआ है। तो पहले मैं लगाता हूँ मोटर, क्योंकि मोटर लगाने के लिए एक आदमी का काम नहीं होता, बच्चों अदनान की ज़रूरत पड़ेगी। तो अदनान को भी उठाता हूँ और जल्दी से जो है पानी लगाता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि पानी चला जाए, क्योंकि लाइट फिर कभी पता नहीं होता कि किस टाइम लाइट चली जाए और क्या हो जाए। तो पहले मैं अदनान को उठाता हूँ और नेहा को भी उठाता हूँ, क्योंकि नेहा भी सो रही है। ये देख रहे हैं आप ज़मीन पर हल्की हल्की नमी और गीली फुहारें आ रही हैं, जिसकी वजह से बूंदाबांदी हो रही है। और अगर आसमान की तरफ देखा जाए तो ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बादल हो रहे हैं। ये देखें कि काफ़ी बादल हो रहे हैं और बस इधर थोड़ी सी रोशनी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी बादल हैं और पानी भी आ चुका है। बस यहाँ पर लगानी है मोटर, मोटर लगा के फिर मेरे को जो ना पाइप बिछाना है। पाइप वहाँ रखा हुआ है और अदनान को उठाता हूँ पहले मैं, क्योंकि अदनान सोया हुआ है। अदनान उठ गया भाई, वो ना पानी आ रहा है, पानी लगाना है फिर। चले अदनान भी उठ गया, एक ही आवाज़ में उठ गया आज तो। अदनान ने उठ के यहाँ सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के मैंने पाइप लगा दिया था यहाँ पे। ये देखें ये पाइप लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि हमने मोटर लगाई है, लेकिन ये मोटर है बगैर बेल्ट वाली, बेल्ट वाली होती है तो वो जल्दी खींच लेती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि इसको जो है ना मुँह से पाइप लगा के खींचना पड़ता है, लेकिन काफ़ी आधा घंटे तक लगे रहे लेकिन पानी नहीं आया। बहरहाल अभी पानी हमारा आया नहीं है तो अब क्या करें, अब अगर नहीं आया तो मसला नहीं है, अब टंकी वगैरह भरवाएंगे। और यहाँ बैठी हुई नेहा जो है नाश्ते की तैयारी कर रही है। 9 बज चुके हैं, अब टाइम हो चुका है 12 बजे का और नेहा ने यहाँ कमरे की झाड़ू लगा ली है, बस बाहर सहन की झाड़ू रह गई है। और नेहा को लेकर जाना है मेरे को आज दवा लेने, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत टोन है। अभी ये यहाँ बर्तन धो रही है और आप ये देख रहे हैं पाइप, तो पाइप भी उठाना है यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से सफाई भी करनी है। और 5 दिन से हमारी मशीन लगी हुई है, तो ये कपड़े मैंने अभी सुबह निकाले थे नाश्ते से पहले, तो ये एक चक्कर इसमें पड़ा हुआ है, ये भी निकालना है और इसको खंगाल के फिर सुखाने हैं। और दूसरा फिर यहाँ पे देखें ये कपड़े डाले हुए हैं टब में, भिगो के रखे हुए हैं, क्योंकि ये घी वाले कपड़े होते हैं, इसको टाइम लगता है धुलने में, तो ये भी करना है और सारी सेटिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। मैं गई थी पापा के साथ दवाई लेने के लिए और अभी दवाई लेके आई हूँ। हम लोग जो है ना पहले ही चले गए थे, 12:30 बजे या 12:15 बजे चले गए थे। अभी 2 बज चुके हैं और खाने का भी टाइम हो रहा है, तो पापा को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, भाई को भी, क्योंकि मेरा तो वैसे तो दिल नहीं कर रहा खाने का, लेकिन भूख भी लग रही है, दिल भी नहीं कर रहा खाने का। पापा तो आजकल कम खा रहे हैं, पापा ज़्यादातर जो है ना फ्रूट खा रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं। तो पहले जो है ना मैं खाना गर्म करती हूँ, उसके बाद पापा को फ्रूट काट के देती हूँ, सब मिल बांट के बैठ के खाएंगे। ये देखे पापा यहाँ पर लेटे हुए हैं, भाई भी यहीं पर बैठे हुए हैं अपना फ़ोन चला रहे हैं। और हमारे आने से पहले ना भाई ने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए, ये देखे व्हाइट शर्ट उसके साथ ब्लैक पैंट। नहाओगे? कल ही तो कपड़े चेंज किए थे आपने। चेंज करूंगा ना, बाल कटवा के आया हूं, ये वाले कपड़ों में बाल हैं, सर में भी बाल। अच्छा, और ये इतने सारी बेडशीट यहाँ पर रखी हुई हैं क्योंकि पापा ने जो है ना इनको सिलाई कर दिया। ये देखें साइडों से कन्नियाँ जो थी वो मोड़ दी हैं, इनको भी अभी तय बना के रखना है। और मैं जिस काम से आई थी वो काम तो मैं भूल ही गई। ये देखें कल हमने पकाए थे दाल चावल, चावल जो है ना बच गए थे काफ़ी सारे। और अभी मैं निकालूँ फ्रिज से दाल, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई होती है दाल। ये देखें ये रही दाल, इसको मैं ले जाती हूँ, गरम करती हूँ और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। यहाँ मैंने कटवाए हैं नेहा से फ्रूट, काफ़ी सारे नेहा ने फ्रूट काटे हैं। और फ्रूट मैंने इसलिए कटवाए हैं क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ खाना खा रहा था दोपहर का और इन बच्चों ने तो खा लिया था खाना,
मैंने 1 घंटे बाद खाया, क्योंकि मैं जब दवा लेकर आया था, दवा लेने के फौरन बाद में सो गया था, और अभी उठा हूँ और उठते के साथ ही पहले मैंने दोपहर का खाना खाया है, और अब साथ में खाऊंगा मैं फ्रूट, क्योंकि दिल कर रहा था थोड़ा सा मीठे को। अभी अभी खाया है मैंने खाना, और फ्रूट भी मैंने खा लिया है, और शाम इस वक्त होती जा रही है, जैसे कि शाम में पकाने का भी टाइम होता जा रहा है, तो मैं पहले सोडा लेकर आता हूँ, और नेहा ने मुझे बोला है कि आज भिंडी लेकर आ जाना, और आज मैं तकरीबन 8-10 दिन के बाद मैं खुद से जा रहा हूँ बाहर सोडा लेने पकाने का, क्योंकि काफ़ी दिन से अदनान से ही मंगा रहा था, तो अदनान ही लेकर आ रहा था, तो आज मेरा दिल कर रहा था कि चलें, आज मौसम भी अच्छा है, बाहर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और सौदा लेकर आता हूँ। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हम गए थे कल मकान के सिलसिले में, तो हमारा फाइनली फाइनल हो चुका है, अब वो मकान जो है हमने एडवांस दे दिया है उस मकान का, तो इंशाल्लाह बस कुछ दिन और हैं ये इस मकान में, तो आगे हम जो है उस दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, बस थोड़े से दिन हैं, क्योंकि वहां पर अभी जो किराएदार हैं वो थोड़े, उनका अभी टाइम बाकी है, जैसे ही वो उनका टाइम पूरा होएगा तो हमारा जो एडवांस वहां पे शुरू हो जाएगा, यानी कि उनकी तारीख थी 16, तो 16 के बाद वो मकान खाली हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना मैं जब दोबारा जाऊंगा पेमेंट करने के लिए, मकान की पूरी पेमेंट करने, तो मैं वो फिर हमारी तारीख स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी जाता हूँ मैं जल्दी से सौदा लेने के लिए। बाहर से मैं सौदा ले आया हूँ, ये देखें ये आटा लाया हूँ, और पकाने के लिए लाया हूँ सब्जी, इसमें है हरी मिर्चें हैं, टमाटर, पुदीना, और पकाने के लिए लाया हूँ मैं ये भिंडी, क्योंकि नेहा ने भिंडी का बोला था, टमाटर जो हैं कल काम आएंगे, कल चावल पकाएंगे, और ये जो हफ्ते के लिए जो सौदा लाता हूँ ये वो है घी, चावल, दाल वगैरह जो भी होती हैं, ये वो चीज़ें हैं। और नेहा यहाँ बैठी हुई शाम के बर्तन धो रही है, जल्दी जल्दी धो लो, ठीक है। पहले जाता हूँ मैं जी जल्दी से किचन में, और यहाँ से लेता हूँ परात, क्योंकि परात में मेरे को धोनी है भिंडी, क्योंकि भिंडी धुलेंगी तो फिर उसके बाद ही कहीं जाके कटेंगी, क्योंकि नेहा कर रही है अभी काम, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ देखें मैंने थोड़ी सी ये हरी मिर्ची निकाली हैं, जो अभी थोड़ी इसको धोऊंगा, और धोने के बाद ये कटेंगी छोटी छोटी सी, और यहाँ पर नेहा जो है भिंडी बहुत अच्छे तरीके से धो रही है, क्योंकि भिंडी इतनी मेली और मिट्टी वाली हो रही होती है, क्योंकि सब्जी वाले के पास रखी हुई होती है, तो मिट्टी उड़ती हुई मिट्टी इनके ऊपर लगती है, और वैसे भी बाज़ार से आते आते भी भिंडी मिट्टी वाली हो जाती है, देखें कितना मेला पानी हो रहा है, कम से कम भी 3 दफ़ा जाके धुलेगी जब जाके साफ होएगा, तो जल्दी से इनको धोते हैं। पापा जो सोडा लाए थे वो मैंने अभी डालना स्टार्ट कर दिया, अभी बस तेल डाला है, घी मेरे हाथ में, मैंने इसकी जो भी धागा बंधा हुआ था वो खोल दिया, मैं डालती हूँ, और उसके बाद ना सिर्फ चावल, पत्ती और ना चीनी डालनी है, और मुझे कुछ नहीं डालना, क्योंकि थोड़ा सा ही सोडा लाए हैं इस बार पापा, पिछली बार ज़्यादा ले आए थे ना, इस बार इसलिए इतना नहीं लाना पड़ा। यहाँ सारी चीज़ें बर्तनों में डल गई हैं, नेहा डाल दी अभी चावल, और किचन में हमने भिंडी जो काटी थी धोई थी वो काट के भी रख लिए, ये देखें माशाल्लाह कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है भिंडी, बस और अभी पकाने की तैयारी करता हूँ मैं, क्योंकि असर भी हो चुकी है, 6 बज रहे हैं इस वक्त। ये देखें अभी पापा ने आधी से ज़्यादा भिंडी डाल दी है, और यहाँ देखें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है भिंडियों का, क्योंकि तेल में तली जा रही है, अब ये तेल में डाली है ना, इस वजह से ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है ऊपर से, और इनका कलर काफी चेंज है। कितनी देर लगेगी वैसे पापा पकने में? इसको तो आधा घंटा लगता है बस, हाँ ज्यादा देर नहीं लगती, आधे घंटे में तैयार हो जाती है भिंडी। हाँ चलें आप ये वाला काम करें, मैं बाहर से जो है ना झाड़ू लगा लेती हूँ। सही, अभी थोड़ी देर में मगरिब का टाइम हो जाएगा, और फिर उसके बाद ना अंधेरा हो जाता है, लाइट भी नहीं है आज हमारी, काफी देर हो गई भी है लेकिन आई नहीं, टाइम था उसका आने का 6:30 बजे, लेकिन अभी तक तो नहीं आई। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।